हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हम टॉपिक्स जितने भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसकी मैंने जिस लिखी हुई है, जैसे कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मैटर वेव्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से। तो जैसा कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में हम लोग सब जानते हैं कि जो लाइट वेव्स हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएशंस हैं, वो सारी दो प्रॉपर्टीज शो करती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जितनी भी लाइट वेव्स हैं वो दो प्रॉपर्टीज शो करती हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हम पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से चीज़ें कि जो लाइट होती है वो सिर्फ वेव नहीं होती, वो पार्टिकल भी होती है। ये चीज़ हमें बाद में पता चली थी। तो जो वेव नेचर है वो हमें पता चलता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और जो पार्टिकल नेचर है वो हमें पता चलता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब के थ्रू हमें उसका पार्टिकल नेचर पता चलता है। बट जो डी ब्रॉगली हैं, उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली कि जो भी जितने भी रियल पार्टिकल्स हैं, ये मतलब साइंटिफिक नेम था, जितने भी रियल पार्टिकल्स हैं। रियल पार्टिकल्स का क्या मतलब था कि जिसमें एक अमाउंट, जो जिसमें मास है और जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करता है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। तो यानी हम लोग भी इसमें आते हैं, और जितने भी छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जितने भी रियल पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो लाइट पार्टिकल्स शो करेंगे। तो इसका एक और प्रूफ निकला था, जैसे कि हमारे आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था हमें, E इज इक्वल्स टू mc², जिसमें हमारा E क्या है, E एनर्जी, यानी कि कोई भी वेव पार्टिकल या फिर लाइट वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स लिख लेते हैं यहाँ पे, और m यानी कि मैसिव पार्टिकल्स जिसमें मास है, massive. तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों को इक्वली, मतलब इक्विलिब्रियम बोल रहे हो, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के हुई। तो इससे हमें पता चला कि जितने भी लाइट वेव्स हैं या मैसिव पार्टिकल्स या रियल पार्टिकल्स हैं, वो दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लाइट वेव्स हमें दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो रियल पार्टिकल्स, मैसिव पार्टिकल्स भी हमें दो प्रॉपर्टी शो करने चाहिए। तो जो हमारे मैसिव पार्टिकल्स हैं, मैसिव पार्टिकल्स, पार्टिकल नेचर तो हर कोई शो करता है, ठीक है, बट जो वेव नेचर है वो हम शो करवाते हैं वेव एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स, और इन वेव्स को ही हम लोग बोलते हैं मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स, ओके। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हम यूजुअली इस बार पढ़ने वाले हैं फोटोन से, जितनी भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है फोटोन से, जितनी भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि हमें मैक्स प्लैंक थ्योरी ने दिया था, मैक्स प्लैंक थ्योरी ने हमें एक फॉर्मूला दिया, E इक्वल्स टू एच न्यू, ओके, जहां पे जो हमारा न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा, ये हम सबको पता होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप वी भी ले सकते हो इसे, अगर हम वी ले तो बेटर होगा, एक जनरलाइज्ड हम वेलोसिटी ले लेते हैं v बाय लैम्डा, ओके। और हमने एक और चीज पढ़ी है, आइंस्टाइन ने हमें दी है, जो कि
वहां पे लिख लेते हैं, आइंस्टाइन ने हमें क्या दिया है, ई इक्वल्स अभी मैंने बताया एम सी स्क्वायर। तो जब एनर्जी दो सेम एनर्जी दो क्वांटिटीज के इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मार्क करते हैं और फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, एच न्यू इक्वल्स एम सी स्क्वायर। ठीक है, एच इसे लिखते हैं वी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, या फिर इसे सी लिख लेते हैं क्योंकि हमें सामने स्पीड ऑफ लाइट ही दिख रही है। तो एक सी से सी कैंसिल, आगे हमारे पास बचा लैम्डा को उधर ले जाते हैं, एच बाय एम सी इक्वल्स लैम्डा। ओके, एम सी मास इनटू वेलोसिटी हमारे पास आता है मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, लैम्डा इक्वल्स एच बाय पी। ये हमारे पास आ गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो कि किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम से वेरी हो रही है। ठीक है, इनवर्सली वेरी हो रही है। यहाँ तक तो पहली डेरिवेशन। इसके बाद आती है कि अगर ये अगर हम एनर्जी के केस में देखना चाहें तो एनर्जी के केस में लैम्डा क्या होगा। अभी तो हमने मोमेंटम के केस में देख लिया, मोमेंटम से हमने रिलेट करा, जिसमें हमने जो उसका मास था और उसकी स्पीड ऑफ लाइट, एच हमारे पास प्लैंक कॉन्स्टेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब देखा हमने। बट एनर्जी से रिलेट करें तो वो भी बात करते हैं। जैसे कि हर कोई जानता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हम पहले वाले रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स एच बाय पी एक बॉक्स में। ठीक है, लेकिन अगर ये तो हो गया हमारे पास मास और वेलोसिटी के टर्म्स में, बट अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में हम मास और उसका मास हमें पता होता है बट वेलोसिटी हम नहीं निकालते, तो हम उसमें बात करते हैं वोल्ट्स के टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से करंट जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे ई वी काइनेटिक एनर्जी का वोल्ट्स में फॉर्मूला ई इंटू वी होता है, जहाँ पे ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो इस चीज को इक्वेट करते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, टू ई वी अपॉन में एम। तो वी की वैल्यू क्या हो गई, टू ई वी अपॉन में एम होल अंडर द रूट। ठीक है, मैं ना बॉक्स अलग पेन से बनाऊंगी ताकि आपको विजिबल रहे कि हम निकाल रहे क्या है। हमें वी की वैल्यू क्यों चाहिए, क्यों हम ये सोचते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पी है ना वो एक्चुअली एम इंटू वी है। अगर हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी, हम इलेक्ट्रॉन का मास डाल देंगे, प्लैंक कॉन्स्टेंट हमें पता होता है हमेशा, तो वी की वैल्यू यहाँ पर डल जाएगी, तो हमारे पास पूरा लैम्डा आ जाएगा हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालें इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स। अगर हम इसे वोल्ट्स दे रखा होता है तो हम वेवलेंथ कैसे निकालें किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हमने वी निकाल दिया, इसमें पुट करते हैं, इसे रिजल्ट फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, हम इसे डालते हैं लैम्डा इक्वल्स एच बाय पी की वैल्यू है एम, वी की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर द रूट टू ई वी बाय एम। इस एम को अंदर लेके जाएंगे तो एम स्क्वायर बनेगा, एम स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी एम नहीं बचेगा। मैंने आपको करके बताया बट इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने कॉमन सेंस अब रखते हो आप। एच अपॉन अंडर द रूट टू ई वी इंटू एम। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा निकला, फिर से पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ही केस में हमें मोस्टली ये चीज पूछी जाती है, प्लस हमें उसका चार्ज और उसका मास और प्लैंक कांस्टेंट हमें उस केस में पता होता है, तो हम वोल्ट्स के टर्म्स में इसे
लिबेरियन को लिख सकते हैं केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो उसमें लैम्डा की वैल्यू अगर सबकी वैल्यूज हम पुट कर दें तो उसमें क्या आता है 12.28 अपॉन अंडर द रूट वी, वेयर वी इज वोल्ट. यहाँ पे ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्ट है, कैपिटल वी है. एक्स बन रहा है, समझ नहीं आएगा. ऑम्स में आता है ये, जैसे कि जनरली हम नहीं. जैसे कि जनरली हम वेवलेंथ निकालते हैं एमएम में, सेंटीमीटर्स एंड ऑल, ऑम्स निकलेगा जो कि 10^-10 सेंटीमीटर्स, 10^-10 होती. सो ये थी हमारी वेवलेंथ की डेरिवेशन जो कि पहला पार्ट है इसका. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो मैंने यहाँ पे लिखा होता है सेकंड पार्ट, मैटर वेव्स का. तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना रखते हैं, ये जितने भी फॉर्मूलाज इसमें हमने यूज़ करे हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब पे हमें क्वेश्चन आते हैं और इन सब पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी है. तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही. सो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मिलता है. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा. थैंक यू.